हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल में। और हम लोग पिछला क्लास में जो बात किए थे क्वेश्चन नंबर 6 का 5 नंबर तक बात किए हुए थे, और आज का क्लास में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 बात करेंगे। अगर हम लोग बात करें 7 नंबर, है ना, तो सबसे पहले बताया गया था कि क्वेश्चन में 1-1 दिखना चाहिए, और इस क्वेश्चन में आज 1-1 दिख नहीं रहा। सबसे पहले बताया गया था कि 1-1 दिखना चाहिए और इस क्वेश्चन में 1-1 दिख नहीं रहा। तो सबसे पहले हम लोग को 1-1 बनाना पड़ेगा। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1-1 बनाना पड़ेगा। तो अगर इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा देखेंगे कि लास्ट है ना, लास्ट दिन हम लोग पिछला क्लास में जब इस क्वेश्चन को बनाए थे 6 नंबर, तो वहाँ पर बताया गया था कि इस क्वेश्चन में हम लोग R1 और R3 को जोड़े थे, और R1 R3 को जब जोड़े थे 4 2 6 y हुआ था, और 6 और 4 कितना हो गया था, 10 हुआ था। इसके बाद R2 को घटाए थे, तो R1 R3 को जोड़े थे, तो 4 2 6 6 4 10 ये चीज़ हो गया। तो जोड़ने के बाद हम लोग R2 को घटाए थे, लेकिन R2 में 2 मल्टीप्लाई किए थे। तो जब यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6y, और यहाँ पे हो जाएगा 5 × 2 = 10। तो R1 R3 को हम लोग जोड़ें 4 2 6 6 4 10, और R2 को घटाने के लिए यहाँ मेरा 6 है, यहाँ 3 है, तो 6 तब बना था जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए थे। तो मल्टीप्लाई करने बाद यहाँ 6 5 × 10, इसके बाद घटाए थे, तो ए अरे मेरा कट गया था। तो यहाँ हम बताना ये चाह रहे हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि हम लोग अगर बात करें कि अगर हम लोग यहाँ पे जो 2 से मल्टीप्लाई किए थे R2 में 2 से जो हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, उसको हम लोग आगे बैलेंस नहीं किए थे। बहुत कोई का है ना एक कन्फ्यूजन होगा उस दिन कि 2 मल्टीप्लाई किया है ना, R2 में 2 दिया तो 2 को बैलेंस करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक रूल है जो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा, क्या यही इसी को अगर इस क्वेश्चन का पहला स्टेप आप जान लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि क्वेश्चन में कोई जान है, या तो फिर है ना क्वेश्चन बनने लगेगा, है ना, वैसा क्वेश्चन नहीं है, मतलब बहुत इजी हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, तो एक क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को लिखा गया ताकि है ना जितना सारा कन्फ्यूजन हो क्लियर हो। तो वहाँ पे जब R2 में हम लोग 2 मल्टीप्लाई किए हुए थे तो वहाँ पे 2 बैलेंस करना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसा काम नहीं किए थे। तो अब क्या रूल है, अब यहाँ से ध्यान देना है, ए और ए दोनों क्वेश्चन है ना सेम टाइप का है, थोड़ा ध्यान देना है हाँ दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर R3 और R2 में अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे बैलेंस नहीं किया जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन में आगे 1/2 को बैलेंस नहीं किया गया था। आप ध्यान से सुने हम क्या बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर लास्ट वाला जो मेंबर होगा या तो R3 या तो R2 में अगर कोई कांस्टेंट से, अगर 2 है 5 है 3 से कुछ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे 2 से बैलेंस नहीं किया जाता है। लेकिन अगर यही सवाल में अगर ऐसा हो जाता R1 के पहले 2 हो जाता, अगर R1 पहले है और R1 के पहले, तो आप लोग को ये बात पता है कि अगर यहाँ R1 होता है तो यहाँ R1 होता है, यहाँ R1 होता है तो यहाँ R1 होता है। अगर यहाँ पे R1 है, यहाँ भी R1 है, अगर इसके पहले है ना जो सबसे पहला मेंबर होगा, अगर उसके पहले कोई नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पे 2 को बैलेंस किया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि इस क्वेश्चन में जो 2 मल्टीप्लाई हुआ था वो पिछला टर्म पे हुआ था, जैसे R2 पिछला टर्म है, R3 भी पिछला टर्म है, और पीछे वाला टर्म में अगर कोई कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो उसको डिटरमिनेंट के आगे बैलेंस नहीं किया जाता है। अगर हम 2 यहाँ मल्टीप्लाई किए थे और यहाँ भी है ना यहाँ पर जब किए थे तो यहाँ पर भी बैलेंस करना चाहिए, लेकिन ये रूल है आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई है ना
हम चाहते तो ये क्वेश्चन को डायरेक्ट बताना चाहिए, लेकिन हम नहीं बताए, ताकि आपको अगर यहाँ पे बैलेंस करेंगे और यहाँ पे बैलेंस नहीं करेंगे, है ना, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने बाद बैलेंस नहीं किया गया था लेकिन यहाँ पे बैलेंस किया गया, तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रह जाएगा और आप कभी भी क्वेश्चन में फंस सकते हैं। इसलिए हम इसको बनाने से पहले हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, पिछला बात को याद दिला रहे हैं कि अगर पीछे वाला टर्म, जैसे पीछे कौन है, R1, R3, है ना, R3, R2, तो सबसे पहला टर्म ये, तो अगर यहाँ R1 है, यहाँ R1 है, तो अगर आगे वाला में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं या 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब फिर बैलेंस करना पड़ता, लेकिन अगर, है ना, आगे वाला टर्म छोड़कर बाकी पिछला टर्म में अगर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, कोई कांस्टेंट से, तब यहाँ पे बैलेंस नहीं करना है। तो एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन में एक फ़र्क है कि अगर जो पहला टर्म R1 है, यहाँ यहाँ जो सामने है, अगर उसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तब आगे बैलेंस किया जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, दो बात है कि अगर पहला टर्म में अगर आगे कुछ गुना करेंगे तब बैलेंस किया जाएगा, जैसे यहाँ 5 से गुना किए तो यहाँ 5 बैलेंस किया जाएगा, यही 5 फर्स्ट वाला टर्म छोड़कर पीछे का कोई भी टर्म में अगर, है ना, अगर R3 में 5 गुना कर देंगे तो यहाँ पे 5 को बैलेंस नहीं किया जाएगा। तो हम लोग समझ गए क्या, कि अगर पहला टर्म में कुछ गुना किया जाएगा तब बैलेंस होता है डिटरमिनेंट के पहले, लेकिन अगर आगे छोड़कर पीछे वाला टर्म पे अगर गुना होता है तो उसमें बैलेंस नहीं किया जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग जब बना रहे थे तो पीछे वाला टर्म में 2 से मल्टीप्लाई किए थे, और पीछे वाला टर्म में अगर कोई कॉन्स्टेंट को अगर देना पड़ता है या मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे बैलेंस नहीं किया जाता है। तो हम लोग समझ गए, है ना, पीछे वाला अगर गुना करेंगे पीछे तो हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आगे जो टर्म है, आगे टर्म में अगर हम कुछ गुना करेंगे तब डिटरमिनेंट के पहले बैलेंस किया जाता है। तो ये रूल एकदम, है ना, याद रखना है। अगर ये आप समझ गए तो ये क्वेश्चन आप इजी में बना लेंगे, कोई जान ही नहीं है, आपसे बन जाएगा, है ना। तो हम लोग अगर बात करें तो अब इस क्वेश्चन का बात करते हैं क्या, कि सबसे पहले 1-1 बनाना है। तो बताया गया था कि अगर आप यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में बताया गया था कि 1-1 बनाने के लिए, है ना, 1-1 बनाने के लिए, 1-1 बनाने के लिए आपको 3 रो को जोड़ना है। अगर वो फ्लॉप कर जाएगा तो 3 कॉलम को जोड़ेंगे, वो भी फ्लॉप कर जाएगा तो 2 रो को जोड़ना है, वो भी फ्लॉप करेगा तो 2 कॉलम को जोड़ना, वो भी फ्लॉप करेगा। तो बताया गया था कुछ, है ना, R1 R2 को ऐड करके या कुछ मल्टीप्लाई करके आपको या तो 1-1 आएगा, इसके बाद 0 आएगा, या तो फिर हो सकता है 1-1 नहीं आया, डायरेक्ट 2-0 आया, तो हमको 0 चाहिए, चाहे वो 1-1 आके आए या तो फिर डायरेक्ट 2-0 आए। तो मेरा कहने का मतलब है आप 3 रो को जोड़िए नहीं आएगा, 2 रो को जोड़िए, है ना, 2 रो को जोड़ने के बाद x x² अलग अलग चीज़ है, तीनों जोड़िएगा तो xyz। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ए मेरा R1 है, ए मेरा R2 है, ए मेरा R3 है, ए मेरा C1 है, ए मेरा C2 है, ए मेरा C3 है। तो अगर हम बात करें तो आप तीनों R1, R2, R3 तो तीनों ऊपर से जोड़ना है, तो R1 x x² अलग अलग टर्म है, यहाँ x मिल रहा है जोड़ने के बाद, x वाला टर्म मिल रहा है x x², और यहाँ पे y y² तो आप जोड़िएगा। तो जोड़ा क्यों जाता है, कि ताकि कॉमन आना चाहिए, और कॉमन को जब बक्सा से बाहर करेंगे तो 1-1 बन जाना चाहिए। तो आप यहाँ जोड़िएगा तो x और x² आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, y y² आ रहा है, तो z z² आ रहा है, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो इधर जोड़ने के बाद x का टर्म आ रहा है, इधर y, तो कॉमन निकलने वाला नहीं है। अगर यहाँ x आता था तो यहाँ भी x आना चाहिए, इसलिए 3 रो फेल कर गया। अब कॉलम का बात करते हैं, तो 3 कॉलम को जोड़ना है, तो कॉलम इस टाइप से जोड़ा जाता है, x y z आ रहा है, और यहाँ x² y² z, तो अलग अलग टर्म है, क्योंकि यहाँ पे जोड़े x y z, तो यहाँ पे आ गया x y z, और यहाँ पे अगर जोड़े तो x² y² z², तीनों कॉलम को जोड़े तो अलग अलग चीज़ है, एक सिंगल है तो ये स्क्वायर में आ गया, तो इसीलिए 3 कॉलम्स को भी जोड़ा नहीं जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें, तो अब बात रहा सर 3 कॉलम्स 3 रो फेल कर गया, है ना, 3 रो 3 कॉलम्स अगर फेल कर गया सर, तो हम लोग 2 रो या 2 कॉलम को जोड़ना है, तो 2 रो को जोड़ेंगे, 2 रो को जोड़ेंगे, 2 रो को जोड़ेंगे, 2 रो को जोड़ेंगे, तो भी मेरा अलग अलग आएगा, तो यहाँ x x² आएगा, यहाँ y y² आएगा, यहाँ z², तो तीनों का डिफरेंट है। तो हम लोग 2 रो को भी जोड़ेंगे तो भी डिफरेंट है, क्योंकि x x² y y² z, तो मतलब रो में भी
दो रो जोड़ने के बाद भी कोई फायदा नहीं है। तीन कॉलम तीन क्या दो कॉलम का अगर बात करेंगे एक्स वाई तो स्क्वायर वाई स्क्वायर ए दोनों जोड़ रहे हैं, ए दोनों जोड़ रहे हैं तो सेम नहीं आ रहा है, खुद सोचें एक्स वाई आ रहा है ना, और यहाँ दो जोड़ने के बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो मतलब अलग अलग आ रहा है, ये भी कॉमन नहीं निकलेगा। तब इस क्वेश्चन का अगर आप पहला लाइन को आप समझ गए तो पूरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो पहला लाइन को है ना, इसका जो पहला लाइन को जो बंदा समझ गया है ना, आगे वो क्वेश्चन को बना देगा। तो मेरा मेन मकसद है इसका पहला लाइन, तो हर एक डिटर्मिनेंट्स का जो है ना क्वेश्चन तो सब एक जैसा बनता है, लेकिन जो डिटर्मिनेंट का फर्स्ट स्टेप को सोच लिया, पहला है ना पहला लाइन को अगर सोच लिया कि हमको करना क्या, बाकी वो बना लेगा। तो पहला लाइन क्या, हर एक डिटर्मिनेंट का फर्स्ट स्टेप जो अप्लाई कर लिया सही सही, वो क्वेश्चन बना सकता है। सबसे पहले यहाँ पे वाई जेड है, तो यहाँ पे वाई जेड है तो हमको लगता है यहाँ पे एक्स नहीं है, अगर यहाँ पे जेड एक्स है तो यहाँ पे वाई जेड है तो एक्स नहीं था, मतलब यहाँ पे एक्स नहीं है, और यहाँ जेड एक्स है तो यहाँ वाई गायब है, और यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ पे जेड गायब है। तो हम सोचें कि अगर यहाँ पे x गुना कर दें, यहाँ पे y गुना कर दें और यहाँ पे z गुना कर दें तो x y z तीनों में आएगा, और जब a आउट हो जाएगा, जब a क्या हो जाएगा आउट हो जाएगा तो यहाँ पे 1 1 1। तो आप लोग को पता है कि अगर 1 1 बन गया तो समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन बन गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको समझ में आ गया होगा है ना कि तीन रो भी फेल कर गया, तीन कॉलम भी फेल कर गया, इसके बाद दो रो को भी फेल कर गया और दो कॉलम को ऐड किए तो भी फेल कर गया। तो लास्ट ट्रिक बताया गया था कि आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा है ना, तीसरा ट्रिक ये था कि आप कुछ उसमें ऐसा वर्क करें डायरेक्ट ऐसा वर्क करना है कि है ना कि आपको 1 1 दिख जाएगा या तो फिर डायरेक्ट 2 0 दिखेगा। तो ये बात बताया गया था लास्ट ट्रिक में कि आपको क्वेश्चन में दिखेगा जब पहला तीन रो फेल करेगा, तीन कॉलम फेल करेगा, दो रो वाला फेल करेगा, दो कॉलम फेल करेगा। तो लास्ट ट्रिक बताया गया था आप क्वेश्चन को देखने के अनुसार आप ऐसा वर्क करें है ना, ऐसा वर्क करें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या तो फिर कुछ मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने के बाद या तो ऐड करने के बाद आपको 1 1 दिख जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में जब हम देखें तो हमको लगा कि यहाँ वाई जेड है। ट्रिक तीसरा नंबर का बात करें, ट्रिक तीसरा बोलता है कि आप क्वेश्चन को देख के काम करें। तो सर हर एक क्वेश्चन को देखेंगे तो कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। तो ट्रिक बोला था लास्ट ट्रिक कि आप ऐसा वर्क करें है ना, या तो रो को ऐड करें या तो रो में कुछ मल्टीप्लाई करें या कॉलम में, कि ताकि आपको 1 1 दिखेगा, या तो हो सकता है पिछला क्वेश्चन में 1 1 ना दिख के डायरेक्ट 2 0 दिखेगा। तो ट्रिक तीसरा क्या है, या तो 2 0 डायरेक्ट दिख जाएगा तो फिर या तो फिर 1 1 दिखेगा। तो मेरा कहने का मतलब है लास्ट ट्रिक बोलता है कि आप क्वेश्चन को देख के इस टाइप से देखें कि क्या जरूरत है क्वेश्चन में, उसके अनुसार आप वर्क करें। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, यहाँ अगर वाई जेड है, यहाँ वाई जेड है तो यहाँ एक्स का कमी है, यहाँ जेड एक्स है तो यहाँ वाई का कमी है, और यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ जेड नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे एक्स नहीं दिखा तो एक्स दिया जाए, यहाँ है ना वाई नहीं दिखा तो यहाँ वाई दिया जाए, यहाँ एक्स है ना जेड नहीं दिखा तो यहाँ जेड दिया जाए। तो आप किस टाइप से दे रहे हैं, देख लें कि C1 में एक्स से मल्टीप्लाई किए, C2 लाइन में वाई से दे रहे हैं और C3 लाइन में जेड से दे रहे हैं। तो आप यहाँ साफ साफ देखें कि यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस लाइन पे वाई से और इस लाइन पे जेड से। तो C1 में जो हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, C1 है और C1 ही है। बताया गया था अगर आप C1 का नाम लिए तो यहाँ पे भी C1 ही होगा। तो C1 में कितना मल्टीप्लाई किए, एक्स से, तो C1 में आप एक्स से। उसी तरह है ना C2, तो अगर यहाँ C2 है तो यहाँ भी C2 होगा, क्योंकि आमने सामने सेम होता है। तो यहाँ पे है ना C2 में कितना दे रहे हैं, वाई से। अब इसी तरह C3 में हम लोग क्या दे रहे हैं, जेड। तो यहाँ पे क्या दिए, जेड। तो यहाँ से आपको पता चला, तो आपको अभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी आपको बताया गया था कि अगर R1, R3 और 2R2 इस टाइप से है, तो अगर अगर पीछे वाला टर्म में आगे ही हुआ, सबसे आगे ही हुआ,
ये तो एरो के, अगर यहाँ पे R1 है तो ये R1 होता है, तो ये सबसे आगे हुआ। तो पीछे वाला में अगर कुछ मल्टीप्लाई किए दो तो बैलेंस नहीं करना है, लेकिन आगे वाला टर्म है ना, आगे वाला टर्म के पहले अगर मल्टीप्लाई हुआ होगा तो आपको बैलेंस करना भी पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर है ना पिछला क्वेश्चन में है ना 6 का 5 नंबर में आगे 2 से मल्टीप्लाई किए थे है ना, यहाँ पे जब 2 मल्टीप्लाई किए थे तो ये मेरा पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, तो पहला टर्म छोड़कर अगर इधर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बैलेंस नहीं करना पड़ता, जो कि वो क्वेश्चन में हम लोग बैलेंस नहीं किए थे। लेकिन आप यहाँ पे पीछे वाला टर्म में किए थे इसलिए बैलेंस नहीं करना पड़ा, लेकिन आप अगर यहाँ आर वन है यहाँ पर अगर बैलेंस 2 देना पड़ता, यहाँ पर 2 अगर मल्टीप्लाई करते तब आपको डिटरमिनेंट के आगे बैलेंस करना पड़ता। तो यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C1 है, तो यहाँ पिछला टर्म है ही नहीं है, तो यहाँ आगे वाला टर्म है C1 C1, आगे वाला टर्म में X से गुना हो रहा है, आगे वाला टर्म में Y से हो रहा है, आगे वाला टर्म में Z से हो रहा है। इसलिए जब आप डेल्टा इक्वल टू यहाँ पे X X से गुना किए तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, क्योंकि यहाँ पे x से मल्टीप्लाई तो x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर है, एक x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं x क्यूब हो जाएगा, यहाँ yz है और x से मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड, यहाँ पे y से तो y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ y 2 है तो एक मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ पे z से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो जेड स्क्वायर जेड क्यूब है ना, जेड क्यूब एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड। अब हम लोग अगर बात करें कि अगर पहले C1 और C1 में ही मल्टीप्लाई हुआ है, C2 पहले और C2 में ही मल्टीप्लाई हुआ है, तो आपको आगे क्या क्या से मल्टीप्लाई किए, x डिटरमिनेंट के अंदर एक्स्ट्रा x दिए हैं तो x को बैलेंस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि आप यहाँ पे है ना, यहाँ पे x से गुना किए तो x से जब गुना किए हैं तो यहाँ पे एक्स वाई जेड होगा, तब ना x गया होगा, तब ना वाई यहाँ गया होगा, तब ना यहाँ जेड किया होगा, तो ऊपर में जब एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई किए तब वो जब अंदर गया तो बैलेंस कहाँ होगा, एक्स ऊपर दिए तो नीचे बैलेंस होगा, वाई दिए हैं तो ये नीचे होगा, जेड है तो जेड, तो ए अंदर चला गया इस लाइन में, एक्स ई वाई इस लाइन में, जेड इस लाइन में, इसीलिए बैलेंस जब होगा तो जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बैलेंस जो होगा है ना एक्स वाई जेड वो नीचे बैलेंस किया जाएगा। तो ये बात हमको समझ में है ना, आप लोग को समझ में आ गया होगा, और मेरे को भी एक कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि अगर आप इतना तक समझ गए तो क्वेश्चन आपका बन गया। तो आप इत्मीनान से देखें, थोड़ा सा आप खुद सोचें, हम बोले थे ट्रिक तीसरा कब लगेगा है ना, जब 2 ट्रिक फेल कर जाएगा, 3 रो 2 रो वाला, तब तीसरा कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन को देखें और ऐसा गुणा करें, ऐसा ऐड और सबट्रैक्ट करें कि या तो 1-1 बन जाए या तो डायरेक्ट 2-0 बन जाए। तो यहाँ पे हमको लगा कि वाई जेड है, तो यहाँ वाई जेड है, 3 दोस्त है एक्स वाई जेड, तो यहाँ कौन दोस्त नहीं है एक्स, तो यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई किया है तो ये C1 है, तो C1 में एक्स दे रहे हैं, और यहाँ जेड एक्स है, और यहाँ कौन नहीं दिख रहा, वाई, तो C2 में क्या दे रहे हो, वाई, और C3 में एक्स वाई दिखा तो कौन नहीं दिख रहा है, जेड, तो यहाँ पे C3 में क्या दिए, जेड, तो C1 में एक्स से, C2 में वाई से, C3 में जेड। अब यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर C1 है, C1 है तो अगर x अगर इस टाइप से रहता C1, C2, C3 तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई करते तो आगे बैलेंस नहीं होता, लेकिन आप देख रहे हैं अगर ये C1 है और यहीं पे अगर साम है ना फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म में अगर गुना कुछ करते हैं तो उसको डिटरमिनेंट के पहले बैलेंस किया जाता है। तो तीनों में एक्स वाई जेड, आगे वाला टर्म में C1 आगे वाला टर्म, C2 आगे वाला टर्म है ना, इसके बाद वाला में अगर करते हैं तब यहाँ पे बैलेंस नहीं होता। तो C1 पहला स्टार्टिंग में एक्स गुना हो गया, स्टार्टिंग में वाई गुना हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे बैलेंस कर दिया गया। बाकी आपको समझ में आ गया होगा क्या, अब एक्स वाई जेड कॉमन दिखने लगा, तो कहाँ से कॉमन दिखने लगा, तो आपको पता है कि अप्लाई है ना, अप्लाई कॉमन और एक्सपेंड अगर आपको नहीं पता चलता है तो हाथ चला के देख लें, तो एक्स वाई जेड ऐसे निकल रहा है, और ऐसे मतलब सोया लाइन है, ऐसे मतलब सोया लाइन, कौन सोया लाइन है, R3, तो ये मेरा सोया लाइन कौन हो गया, R3, तो हम यहाँ से लिखेंगे टेकिंग एक्स वाई जेड है ना कॉमन है ना, एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम R3, कॉमन फ्रॉम R3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा है ना, एक्स वाई जेड यहाँ से निकल जाएगा तो ऊपर में आ जाएगा एक्स वाई जेड, ई एक्स वाई जेड, एक्स वाई, कॉमन का मतलब भले 3 दिख रहा है, कॉमन का मतलब एक ही चीज़ होगा,
बात समझ आ रहा है ना। तो तीन जगह दिख रहा है, तो तीनों जब निकलेगा, तीन वो नहीं निकलेगा, इसके बदले में एक निकलेगा, क्योंकि कॉमन का मतलब कॉमन एक ही निकाला जाता है। तो यहाँ हो गया एक्स वाई जेड, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वन वाई स्क्वायर वाई क्यूब अरे हो गया वन जेड स्क्वायर जेड क्यूब ए हो गया वन। तो ए अरे कट गया तो डेल्टा इक्वल टू हो गया है ना, डेल्टा इक्वल टू हो गया है ना आपका फाइनल ए हो गया। अब यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ तक हम बताए थे कि यहाँ है ना, यहाँ पे जब हम लोग रुके तो एक क्वेश्चन हम लोग सेम क्वेश्चन ऐसा पांचवा का जो क्वेश्चन था वो हम लोग देखे हुए थे। तो पांचवा का एक सेम क्वेश्चन क्या है, पांचवा का सेम क्वेश्चन क्या है ना, फाइव का सेवन नंबर वन ए स्क्वायर ए क्यूब वन बी स्क्वायर बी क्यूब वन सी स्क्वायर सी क्यूब, इसका आंसर हम लोग बनाए हुए थे आप है ना पिछला वीडियो में देखें है ना। तो ये जो क्वेश्चन था आप यहाँ से मिला के देखें सेम क्वेश्चन आ गया, क्योंकि वन वन है, यहाँ भी वन वन है। हाँ जगह अलग चीज़ है, यहाँ ऊपर में या नीचे ले मेंबर सेम है इसलिए क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर वाला है, यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर वाला है, यहाँ पे क्यूब क्यूब वाला है, यहाँ पे भी क्यूब है। तो यहाँ जो आप सॉल्व किए थे उसका आंसर जो आया होगा आप यहाँ आगे भर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है आप देख लें पाँचवा का सेवन पिछला वीडियो में जाके देखें, तो आप अगर एक क्वेश्चन अगर आप बनाए होंगे तो सेम क्वेश्चन है, आप यहाँ से आप सेम उसी प्रोसेस में आप है ना आंसर लिख दें, सेम क्वेश्चन है। या तो फिर अगर हमको बोलिएगा तो हम तो बना ही देंगे, लेकिन है ना आपको समझ में आ गया होगा कि ये एकदम सेम क्वेश्चन है पांचवा का है ना, पांचवा का सातवां नंबर क्वेश्चन है। अगर सातवां आप अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो आपसे ये बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ से कि दो जीरो लाना है, तो दो जीरो ए मेरा सी वन है, ए मेरा सी टू है, ए मेरा सी थ्री है, ए मेरा सी थ्री है। तो यहाँ से अप्लाई करेंगे अप्लाई है ना, वन वन आने बाद दो जीरो करते हैं। तो ये सी वन है, ये सी टू है, तो सी वन में सी टू घटाएंगे। तो हम लोग बताते हैं है ना, ए इस टाइप से खड़ा लाइन है, ये भी खड़ा लाइन है, तो ऐसे ऐसे घट रहा है। तो सी वन में सी टू घट रहा है, सी टू में सी थ्री घट रहा है, तो सी वन में सी टू घटा रहे हैं है ना। सी वन में अगर ऐसे घटाते ए आर वन है ए आर टू है, तो ऊपर नीचे घटाते ऊपर नीचे, तो आर वन आर टू घटता, यहाँ ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, जबकि लेफ्ट राइट हो रहा है, लेफ्ट राइट में क्या होता है सी वन सी टू। तो यहाँ से अलग अलग हम लोग अप्लाई किए थे, यहाँ एक ही बार अप्लाई कर देंगे कि दो जीरो लाना है। तो पिछला क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, सी वन में सी टू, इसके बाद बनाने के बाद फिर मतलब है ना स्टेप टू स्टेप काम कर रहे थे, फिर सी टू माइनस सी थ्री, लेकिन यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर दे रहे हैं, अप्लाई सी वन में से सी टू, तो सी वन टेंस टू ए, एक अप्लाई, दूसरा सी टू में से किसको घटा रहे सी थ्री, तो इस टाइप से अप्लाई करते हैं। आपको पता है कि तीन वन वन होने से तीन जीरो नहीं आ सकता है, दो ही जीरो आ सकता है, क्योंकि ए वन वन घटेगा तो एक जीरो बन गया, तो ई वन में ई वन घट गया तो जीरो हो गया। तो ए जब जीरो हुआ तो ए वन और ए वन रहेगा, क्योंकि इसको आप जीरो कर रहे हैं, इसको तो ई वन में इसको घटा के जीरो कर रहे हैं, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, बस इसका हेल्प लेके आप इसको जीरो कर रहे हैं। तो वन में वन गया जीरो, उसी तरह दो वन बचा तो वन में वन जाएगा जीरो, तो ए वन बच गया, तो इसका हेल्प लेके ई जीरो हुआ और इसका हेल्प लेके ए जीरो हुआ। तो एक इस जीरो को करने के लिए एक वन और होना चाहिए, इसीलिए तीन जीरो नहीं होता है बल्कि दो जीरो होता है, ये पिछला क्वेश्चन है ना क्वेश्चन में बताया गया है। अब यहाँ से बात करें तो यहाँ से आ जाएगा, एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है लेकिन एक बार प्रैक्टिस के लिए करवा दे रहे, डेल्टा इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और वन वन जीरो है ना। वहाँ पे स्टेप टू स्टेप अप्लाई करते थे क्योंकि वहाँ सीखना था, लेकिन अब हम लोग है ना सीख गए हैं, अब एक बार में दो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हम लोग एक ही बार अप्लाई किए हैं क्योंकि जगह भी नहीं है और आप है ना एक टाइम में दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो जेड स्क्वायर जेड क्यूब ए वन हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है सी वन है तो C1 लाइन चेंज कर गया, C2 आगे है तो C2 भी चेंज कर गया, C3 आगे नहीं है तो C3 जैसा है वैसे ही। इसके बाद बताया गया था
कि दो जीरो करने के बाद, दो जीरो करने के बाद हम लोग को डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं कर देना है, अगर कॉमन आ रहा होगा तो कॉमन निकाल लेना। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब सारा चीज़ बताया गया है। आज हमको मेन चीज़ बताना था, एक स्टेप कहाँ एक्स गुना करेंगे, कहाँ वाई, और यहाँ वन जब बन गया तो यहाँ के बाद आपको खुद पता है कि वन वन होने के बाद सारा स्टेप हम लोग क्लियर है कि वन वन आने के बाद, वन वन आने के बाद दो जीरो करेंगे, और दो जीरो करने के बाद एक्सपेंड नहीं बल्कि कॉमन आएगा तो कॉमन करेंगे, इसके बाद एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ के बाद हम लोग को पूरा रास्ता पता है, सिर्फ हम लोग को सिर्फ कौन सा स्टेप पता करना था, एक स्टेप। तो इस क्वेश्चन का जो बंदा इस स्टेप को याद रखा है, बाकी स्टेप तो यहाँ के बाद कर सकता है, क्योंकि वन वन करने के बाद दो जीरो होगा, और दो जीरो करने के बाद कॉमन आएगा तो कॉमन करेंगे, इसके बाद एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ के बाद कोई भी कर सकता है, बहुत क्वेश्चन ऐसा हुआ है मेरा सिर्फ एक स्टेप था, तो एग्जाम में जब हम लोग रिवीजन करते हैं तो ये पूरा स्टेप को नहीं देखा जाता है, इतना के बाद आप तो कर ही सकते हैं, सिर्फ इस स्टेप को है ना, कॉपी जब पलटेगा तो थोड़ा सा बस एक स्टेप डिटर्मिनेंट का देखते जाना है कि क्वेश्चन का पहला स्टेप क्या था, ऐसा था, इस क्वेश्चन का क्या था, ऐसा था, बाकी तो वन वन करने बाद दो जीरो, दो जीरो बाद कॉमन, कॉमन के बाद एक्सपेंड, इतना तो सारा क्वेश्चन में सेम है। अब यहाँ के बाद बताया गया था कि दो जीरो करने के बाद अगर कॉमन नहीं दिख रहा है तो बताया गया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ दीजिए, या तो ए क्यू माइनस बी क्यू आया होगा तो उसको तोड़ दीजिए, तो आपको क्या होगा, कॉमन दिखने लगेगा। ये भी बात बताया गया था कि दो जीरो करने के बाद अगर कॉमन नहीं दिख रहा है तो उसका भी तरीका हम बताए थे, ताकि आप लोग है ना फंसे नहीं। क्या बताया गया था, हम एक स्टेप को बताए हैं कि अगर दो जीरो किए, अगर आपको कॉमन नहीं दिखने लगा, बराबर नहीं दिख रहा है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया होगा तो उसको फॉर्मूला में तोड़ दीजिए, ए क्यू बी क्यू होगा तो उसको भी फॉर्मूला में तोड़ दीजिए, आपको कॉमन दिखने लगेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये सब सारा बात बताया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस एक बार प्लस, है ना, एक क्वेश्चन पांचवा का सातवां सेम क्वेश्चन है, यहाँ के बाद पांचवा का सातवां क्वेश्चन है, पांचवा का सातवां क्वेश्चन है, अब जाके सेम सॉल्यूशन हो रहा होगा, एक बार माइनस एक बार प्लस, अरे मेरा जैसा है वैसा, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं है, ए क्यू बी क्यू के बारे में बताया गया था फॉर्मूला, है ना, वहाँ लिखवा दिए थे कि फॉर्मूला था, फॉर्मूला था, फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस एक बार प्लस, और ए क्यू बी क्यू के बारे में बताए थे कि अगर पहले माइनस है तो आप माइनस लिखें, पहले माइनस है तो आप माइनस लिखें, पहले माइनस है तो आप माइनस लिखें, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो पहले माइनस लिखेंगे, इसके बाद बताया गया था ए है तो ए स्क्वायर, बी है तो बी स्क्वायर, ए है तो ए स्क्वायर, बी है तो बी, इसके बाद दोनों आपस में सट जाएगा, तो एक साथ दोनों को लिख देना है, तो अगर माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, एक बार ए का स्क्वायर, एक बार बी का स्क्वायर, इसके बाद बताया गया था कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और दोनों एक साथ को लिख देना है, एक अलग अलग स्क्वायर लिखने के बाद दोनों को एक साथ मिला देना है, अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका उल्टा सब में क्या हो जाएगा, प्लस, तो आप एक फॉर्मूला को देख लें तो क्या हो जाएगा, है ना, एक क्वेश्चन को बताया गया है ना, इसलिए हम थोड़ा टाइम ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, है ना, उतना भी हम स्पीड नहीं निकाल रहे, तो ये मेरा माइनस हो गया, इसके बाद बताया गया था एक में एक्स है तो एक्स स्क्वायर, है ना, वाई है तो वाई का स्क्वायर, इसके बाद अगर एक्स वाई है तो दोनों को गुना, अगर माइनस है तो उल्टा प्लस, इस टाइप का, इसी तरह यहाँ पे क्या हो गया, जीरो, उसी तरह सेम यहाँ पे एक क्यू बी क्यू है तो एक बार माइनस सेम, अगर वाई है तो वाई स्क्वायर, जेड है तो जेड का स्क्वायर, और एक बार वाई जेड है तो यहाँ वाई जेड हो जाएगा, है ना, एक बार माइनस, ठीक है, अगर माइनस है एक बार क्या होगा, माइनस वाई है तो वाई स्क्वायर, जेड है तो जेड स्क्वायर, अगर माइनस सब जगह क्या हो जाएगा, प्लस, वाई है तो वाई स्क्वायर, जेड है तो जेड स्क्वायर, फिर से सुने, एक बार माइनस है माइनस, वाई है तो वाई स्क्वायर, जेड है तो जेड स्क्वायर, और एक बार दोनों मिला के अगर माइनस है सब में प्लस, तो ये हो जाएगा जेड क्यूब, है ना, ए हो जाएगा जीरो, ए हो जाएगा वन। अब इतना आने के बाद आपको देखें, हम बताए थे कि दो जीरो आने के बाद अगर कॉमन नहीं दिखेगा तो फॉर्मूला जब आप लगाइएगा तो आपको कॉमन दिखने लगेगा, सच में दिख गया, ये बात पहला बार नहीं, पांचवा का पूरा क्वेश्चन में ऐसे ही आ रहा था, और सातवां नंबर तो पूरा सेम क्वेश्चन ही है,
है ना। तो यहाँ पे आप जैसे फॉर्मूला तोड़े तो x माइनस वाई कॉमन दिखने लगा, y माइनस जेड कॉमन दिखने लगा, और अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पे x माइनस वाई यहाँ भी y माइनस जेड यहाँ भी y, तो मेरा कहना अब जीरो तो पता है कि कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम बताए थे दो जीरो करने के बाद अगर फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर तो उसको तोड़ दें, फॉर्मूला में तोड़ दें तो आपको कॉमन दिखने लगेगा। तो हम बताए थे टेकिंग क्या कॉमन, तो है ना कॉमन लेने के वक्त बोले थे हाथ चलाइए, अप्लाई के दौरान भी हाथ चलाइए, एक्सपेंड के दौरान भी हाथ, आपका सारा हाथ ही डिसाइड करेगा। तो कॉमन क्या ऐसे निकल रहा है क्या? नहीं, क्योंकि x माइनस वाई इस टाइप से ऐसे, तो खड़ा लाइन c1 ऐसे निकल रहा है, खड़ा लाइन c2, तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग x माइनस वाई एंड y माइनस जेड फ्रॉम है ना टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। तो यहाँ से आपका आ गया डेल्टा इक्वल टू x माइनस वाई वाई माइनस जेड, और यहाँ ब्रैकेट में बच गया क्या है ना माइनस निकल गया तो प्लस, ये माइनस निकल गया तो पूरा बच गया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरा जीरो। अब यहाँ पे जब कॉमन निकल गया तो यहाँ बच गया वाई प्लस जेड, और यहाँ पे जब कॉमन निकल गया तो वाई स्क्वायर वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये मेरा हो गया जीरो, और यहाँ हो गया जेड स्क्वायर जेड क्यूब वन, ये चीज़ हुआ। अब आप लोग को पता है कि कॉमन आने के बाद एक्सपेंड करते, तो यहाँ से प्रोसेस पता है, वन वन बनने के बाद दो जीरो करने बाद कॉमन के बाद एक्सपेंड, यहाँ के सब रास्ता क्लियर, वन वन के बाद जीरो होने के बाद एक्सपेंड नहीं, कॉमन आएगा तो कॉमन इसके बाद एक्सपेंड, तो दो जीरो किधर है, इधर है, तो एक्सपेंड हम लोग जीरो के तरफ करेंगे। तो आपको बताया गया था कॉमन निकालने में हाथ, जैसे यहाँ हाथ यूज किए खड़ा, एक खड़ा लाइन आया, ए भी खड़ा लाइन, अगर दो जीरो सोया है और वो भी कौन सोया है R1, R2, R3, तो यहाँ जो एक्सपेंड होगा प्लस माइनस है ना, तो एक्सपेंडिंग अलोंग है ना, ये मेरा कौन हो गया R1, R2, ये सोया लाइन है R3, along R3, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू x माइनस वाई, और ये हो जाएगा y माइनस जेड है ना, y माइनस जेड, ए तो जीरो हो जाएगा, ए भी जीरो हो जाएगा, बात रहा वन, तो ए और डिटर्मिनेंट के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, तो यहाँ गुना हो जाएगा, तो वन के लिए वन लिखेंगे, ठीक है ना, वन के वन लिखेंगे, वन के सीधा में ए और एक कट जाएगा तो बच जाएगा x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर वाई जेड प्लस जेड का स्क्वायर, ये चीज बच गया। तो यहाँ के बाद हम लोग अब सॉल्व करेंगे, तो मेरा कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें यहाँ तक तो पहुँच गए, अब सॉल्व हो ही जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि अब जगह नहीं है तो हमको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ये हमको क्या करना पड़ेगा मिटाना पड़ेगा है ना, तो हम देख लें थोड़ा, तो हम यहीं से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपका आ गया डेल्टा इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, ये चीज़ आ गया। आपको पता है कि पहले इधर गुना किया जाएगा, तो आराम आराम से गुना करना है डेल्टा इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी है ना, अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड है ना, तो यहाँ से पहले इधर से गुना करेंगे, तो इधर जब गुना करेंगे तो आराम से देखें, पहले x का दोस्ती लगाओ, तो x का पहले तीनों के साथ हाथ मिलाएगा, तो x वाई स्क्वायर, फिर x को एकदम देखना है, y को अभी तो इग्नोर ही कर देना है, तो x वाई जेड, अब x के साथ फिर, तो ये हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर। आपको याद आ रहा होगा एक क्वेश्चन है ना, पाँचवा का सातवा में सेम क्वेश्चन ही है, इसी तरह y के साथ अबर होगा, तो y स्क्वायर और y हो जाएगा y क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे y और y, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर जेड, और यहाँ पे आ जाएगा y जेड स्क्वायर, ये चीज हो गया। तो इधर से गुना कर लिए, अब इधर से गुना करेंगे तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा है ना, पहले y के साथ गुना करेंगे एक एक करके, y है ना x स्क्वायर y, तो ये आ जाएगा y x स्क्वायर है ना xy स्क्वायर, तो ये हो जाएगा xy स्क्वायर, फिर y y स्क्वायर, ये हो जाएगा y क्यूब
उसी तरह अब जेड के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा है ना एक्स स्क्वायर जेड है ना, जेड के साथ हो रहा है अब जेड के साथ तो एक्स वाई जेड, यहाँ एक्स वाई यहाँ जेड, तो यहाँ आ जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ पे अगर बात करें तो वाई स्क्वायर जेड, तो यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर जेड। तो आपको पता है कि जब इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे माइनस होता है, तो ये पूरा टर्म के पहले ए जब हम लोग गुना किए, ए जब गुना किए तो ए जब गुना करते हैं तो पहले माइनस लगाते हैं, जब यहाँ माइनस लगाएंगे तो सम में चला जाएगा, तो इसीलिए सम में क्या हो जाएगा माइनस है ना, ए हो जाएगा माइनस, ए हो जाएगा माइनस, इधर वाला सारा टर्म में माइनस जाएगा क्योंकि इधर गुना करते हैं तो इतना हो गया, लेकिन जब इधर से करते तो इतना आया था, और इधर से जब करते तो उसके पहले माइनस लगाते तो इधर वाला जितना भी टर्म है सब में माइनस चला जाएगा। अब यहाँ से देखें कुछ कटेगा है ना, एक्स वाई स्क्वायर कट गया है ना, इसके बाद देखें एक्स वाई जेड कट गया, एक्स जेड स्क्वायर ऐसा तो कहीं नहीं है, वाई वाई क्यूब कट गया, इसके बाद है ना वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड कट गया, तो आपका कितना बच गया डेल्टा इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड है ना, वाई माइनस जेड, और ये बच गया एक्स जेड स्क्वायर है ना, वाई जेड स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर जेड, ये चीज। तो आप लोग को याद आया होगा पाँचवा का सातवा में अब बोले थे कि अगर चार टर्म आता है, चार टर्म वाला जब पेयर आता है, पिछला वीडियो में आप देखें कि बहुत टाइम दिए थे इसमें बताने के लिए, बहुत टाइम हम लोग दिए थे और बहुत अच्छे से सिखाए थे, और बोले थे कि जब भी चार टर्म वाला है ना सीक्वेंस आएगा कट उठ के कितना बचेगा चार टर्म, कितना बचेगा चार टर्म, तो उसमें सही जोड़ा अगर नहीं लगा पाया, अगर सही जोड़ा अगर नहीं लगा पाया तो अभी भी मिस्टेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आंसर तक पहुंचने के लिए, आंसर तक पहुंचने के लिए हम लोग को जोड़ा लगाना पड़ेगा। तो बताया गया था अगर चार जोड़ा सब में कहीं कहीं स्क्वायर है, सब में थोड़ा स्क्वायर है, सब में स्क्वायर है, तो अगर एक्स है तो वहाँ भी एक्स होना चाहिए है, और यहाँ जेड है तो वैसा टर्म को सेलेक्ट करो वहां भी जेड होना चाहिए, तो एक्स जेड है वहां भी एक्स जेड होना चाहिए, तो वो पेयर दोनों एक साथ होगा। तो ये बहुत टाइम दिए थे, बताए भी थे है ना, क्या अगर चार पेयर बच गया है कटने के बाद और आप जोड़ा अभी भी अगर गलत कर रहे हैं लगाने में तो आप मिस्टेक कर जाइएगा। क्या जोड़ा लगाना है, सबसे पहले बहुत लड़का यहाँ देखा एक्स तो यहाँ देखा एक्स जोड़ा, इसको इसको बना दिया, तो गलत है, पेयर बनाना ही बहुत बड़ा चीज है। तो यहाँ अगर एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, अगर यहाँ जेड है तो वैसा टर्म खोजो वहाँ भी जेड होना चाहिए, तो यही दोनों है, तो ये दोनों पेयर में एक्स जेड है, तो ये दोनों एक साथ रहेगा, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, तो ये दोनों एक साथ रहेगा, कहाँ कहाँ का पहला जोड़ा और चौथा जोड़ा एक साथ होगा। तो ये जोड़ा अगर कोई बच्चा अगर इसको और इसको जोड़ा लगा दिया होगा तो गलत कर गया, और इसको इसको जोड़ा तो भी गलत किया। तो यहाँ सबसे पहला बात है कि किसको किसको एक साथ रखें, दो पेयर को किसको एक साथ रखें, तो एक पेयर को है ना, ये दोनों एक पेयर है और ये दोनों को एक साथ रखना है, तो कौन कौन होगा, जहाँ पे एक्स है वहीं एक्स होना चाहिए, जहाँ जेड है वहीं पे जेड, तो वो दोनों एक साथ होगा। तो अब ये दोनों अगर एक साथ हो गया, तो ये दोनों एक साथ हो गया तो आपको पता है कि ओबियसली कि यही दोनों बचेगा, तो ये हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर। आप देख लें सेम वीडियो है, यहाँ के बाद जितना भी सॉल्व कर रहे हैं पाँचवा का सातवां नंबर ही है, सेम क्वेश्चन, आंसर भी आपको सेम आ रहा होगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब यहाँ पे देखें एक्स जेड कॉमन, तो यहाँ पे बच गया एक्स जेड कॉमन हो गया, एक्स निकल गया एक जेड निकल गया, तो यहाँ जेड ज़्यादा है तो यहाँ एक जेड बचा, यहाँ एक्स ज़्यादा है तो यहाँ एक्स बचा। अब यहाँ पे देखें वाई वाई कॉमन, वाई वाई कॉमन, तो यहाँ बच गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ वाई जब कॉमन हुआ ए दोनों में अपना कॉमन हो गया, ए दोनों में तो वाई वाई निकल गया, तो यहाँ स्क्वायर बच गया, यहाँ भी स्क्वायर। आप थोड़ा सा और देखें मेरे साथ है ना, वाई माइनस जेड है ना एक्स जेड है ना एक्स जेड एक्स जेड जेड माइनस एक्स। अब यहाँ से अगर बात करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस एक बार माइनस और एक बार प्लस होता है, आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक बार माइनस एक बार प्लस। अब थोड़ा और देखें, अब लास्ट स्टेप चल रहा है, वाई माइनस जेड है ना जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स दोनों में है, तो बक्सा से पूरा बाहर, बक्सा से क्या हो गया बाहर, तो यहाँ बच गया ए पूरा अगर निकल गया तो क्या बचा एक्स जेड, और यहाँ पे निकल गया तो क्या बचा वाई, और क्या बच गया जेड प्लस एक्स। तो आप यहाँ खुद देखें कि अगर आप
खुद सोचें कि अगर ए पूरा निकल गया तो तीन आदमी था तो बचा वाई और जेड प्लस एक्स, क्योंकि निकल चुका है, और ए जब निकल गया तो क्या बच गया, एक्स जेड। अब यहाँ से अगर बात करें एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ गया एक्स जेड, है ना, वाई जेड और वाई जेड, और यहाँ गुना होगा वाई एक्स या एक्स वाई, ए आंसर। तो बहुत आंसर में ऐसे मिलाया होगा, सिक्वेंस से लिखा होगा, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, जेड के बाद एक्स होता है ना, इस टाइप से एक्स राउंड जा रहा है ना, एक्स वाई जेड, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, इसी तरह हो जाएगा एक्स वाई, वाई के बाद वाई जेड, है ना, जहाँ पे ख़त्म हुआ वहीं से स्टार्ट करेगा, जेड एक्स, ए आंसर हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है आप यहाँ के बाद तो हम कुछ चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि ए पाँच वन वन बनने के बाद हम लोग बना सकते हैं, और पाँचवा का सातवां नंबर एकदम यही क्वेश्चन है ना, वन वन स्क्वायर क्यूबिक, आप मिला लें क्वेश्चन और उसका भी आंसर सेम यही आया होगा। तो मेरा कहने का मतलब है अब अगर आप एग्ज़ाम में रिवीजन कर रहे हैं, आज अगर इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ तक तो कोई बात ही नहीं होगा, यहाँ तक तो कोई बात ही नहीं, यहाँ तक तो कोई सीखना ही नहीं है, ए तो कुछ सीखना ही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ तक आप पहले से जानते हैं कि वन वन आने के बाद, वन वन आने के बाद, वन वन आने के बाद, वन वन आने के बाद दो जीरो बनता है, और दो जीरो आने के बाद कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉमन। तो वन वन बनने के बाद दो जीरो, दो जीरो के बाद कॉमन, और कॉमन नहीं दिखता है तो या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते होंगे, या तो ए क्यू माइनस बी क्यू, जैसा क्वेश्चन में होगा, तो आपको कॉमन निकल जाएगा। तो कॉमन आने के बाद आप क्या करते हैं, एक्सपेंड। तो वन वन आने के बाद दो जीरो कॉमन, इसके बाद एक्सपेंड। तो यहाँ तक हम आप अगर बात कर रहे हैं, बहुत बच्चा को लग रहा है कि सर एक क्वेश्चन लंबा चल गया, बहुत लॉन्ग चला गया, तो आप खुद सोचें कि यहाँ तक पाँचवा का, यहाँ से पाँचवा का सातवां नंबर क्वेश्चन है, बात समझ आ रहे हैं। तो यहाँ से लेकर आपको तो कुछ सीखना ही नहीं है, ये सब तो सारा प्रोसेस आपको पता है, वन के बाद दो जीरो, दो जीरो के बाद एक्स, है ना, कॉमन, कॉमन के बाद एक्सपेंड। तो एग्जाम में आपको इधर रिवीजन नहीं करना है, ये तो आप पहले क्वेश्चन में सीख गए थे पांचवा का सातवां। आज मेरा इस क्वेश्चन में मकसद है तो सिर्फ एक स्टेप का मकसद है, ये सीखना है मेरे को। तो इसलिए हम लोग पूरा अगर क्वेश्चन को देखें, है ना, क्वेश्चन को देखें तो आंसर तक जाए, तो यहाँ से सारा स्टेप कट किया जाएगा, ये स्टेप हम लोग पहले से जानते हैं, ये आज हम लोग नहीं जान रहे, ये पहले से हम लोग इतना, है ना, पहले से जान रहे हैं। तो जितना भी सारा स्टेप था ये हमको, ये मेरे लिए नया स्टेप नहीं था, और ये स्टेप हम कर सकते हैं, बहुत इजी स्टेप है, कौन नहीं जानता वन के बाद जीरो, कौन नहीं जानता है जीरो के बाद, है ना, कॉमन, कॉमन के बाद कौन नहीं जानता एक्सपेंड। इसीलिए आज का स्टेप अगर लॉन्ग गया है तो ये स्टेप आप इग्नोर करें, ये स्टेप आपको आता है तो रिविजन के टाइम में ये स्टेप को देखना ही नहीं है, सिर्फ इस क्वेश्चन में लॉन्ग गया है तो एक स्टेप को सिर्फ जानना है, ए स्टेप क्या, आप ध्यान दें। हम बताए थे ट्रिक नंबर थर्ड, तीसरा क्या था, अगर वाई जेड है तो वाई जेड है तो यहां क्या कमी है, एक्स, यहां जेड एक्स है तो क्या कमी है, तीन दोस्त है एक्स वाई जेड, तो इसमें एक वाई जेड है तो क्या कमी था, एक्स दोस्त का, यहां जेड एक्स है तो कौन दोस्त का कमी, यहाँ वाई दो, और यहाँ एक्स वाई है तो कौन दोस्त का कमी है, जेड का। तो यहाँ पे इस टाइप से एक्स गया, देखो यहाँ सी वन है तो सी वन में आप क्या दे रहे हैं, एक्स, सी टू में क्या दे रहे हैं, वाई, सी थ्री में क्या दे रहे हैं, जेड। तो सी वन में एक्स से गुना, सी टू में वाई से गुना, सी थ्री में जेड, एक स्टेप एक क्वेश्चन में आपको एक नया स्टेप सिखाया, एक स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि आपको बताया गया था कि अगर C1 और C1 अगर इसमें अगर कोई कांस्टेंट गुना करते हैं या x गुना करते हैं, अगर C1 के पहले तो आपको डिटरमिनेंट के पहले बैलेंस भी किया जाएगा। तो आप दो चीज़ यहाँ सीखें, है ना, क्या, एक यहाँ सीखें कि अगर जिसके पहले कुछ गुना करते हैं डिटरमिनेंट के पहले बैलेंस किया जाता है, पहला स्टेप ये सीखें। दूसरा स्टेप आराम से आप सोचें, ट्रिक नंबर थर्ड बोलता है कि सब फेल कर जाए तो आप क्वेश्चन में ऐसा देखिए कि कॉमन आ जाए, है ना, ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए तो कॉमन आ जाए। तो यहाँ पे yz था तो x का कमी था, तो यहाँ zx है तो यहाँ y गुना कर दिए, यहाँ x y है तो यहाँ z। तो आप खुद सोचें x y z जब बन जाएगा तो कॉमन निकल गया, अब कॉमन निकलने के बाद यहाँ वन वन बन गया, तो यहाँ के बाद आप खुद कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा को अगर लग रहा है कि यहाँ के बाद बहुत लंबा है तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, क्योंकि ये चीज़ तो पहले से जानता है, बात समझ आ रहा है। तो आज इस क्वेश्चन का मेन स्टेप था मेरा एक, और एक स्टेप दो स्टेप। तो मेरा पहला स्टेप था कि यहाँ x से गुना, यहाँ y से गुना, यहाँ z से,
तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप देखें वाई जेड है तो किसका कमी है, एक्स जेड एक्स का है तो क्या कमी वाई, तो आप इस टाइप से अगर गुणा कर देंगे तीनों में एक्स वाई जेड होगा तो कॉमन आ जाएगा तो वन वन बनेगा और यहाँ के बाद लॉन्ग नहीं है तो स्टेप आप खुद भी कर सकते थे। इस क्वेश्चन का मेन स्टेप ए था, है ना। तो आप दो स्टेप सीखे, इसमें एक्स से इसमें वाई कमी है, इसमें एक्स वाई है तो क्या देना है जेड, है ना। तो सी वन में क्या दिया एक्स, सी टू में क्या दिया वाई, सी थ्री में क्या है? तो ऐसा क्वेश्चन में जहां दो दो मेंबर है तो तीन मेंबर करने के लिए आप गुना कर दीजिए पहला स्टेप, और दूसरा स्टेप कि अगर C1 में अगर गुना है तो अगर पहला टर्म में गुना है तो उसको डिटरमिनेंट के पहले बैलेंस भी किया जाता है। तो यहाँ x है तो x से, यहाँ भी पहले गुना है तो डिटरमिनेंट में आप x गुना किए, यहाँ भी y गुना किए, यहाँ z गुना, तो आपको x y z बैलेंस कर दिया। यहाँ दो स्टेप, यहाँ x गुना, यहाँ y गुना, यहाँ z, पहला x y z दिखने लगा तो एक्स वाई जब जेड दिखने लगा तो दूसरा कि अगर पहले में अगर गुना होगा तो उसको बैलेंस भी किया जाता है। तो आप नोट कर लें।